फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 7 फरवरी 2022 की करंट। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिको के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा राहुल भाटिया। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश देव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका आंसर होगा एक अभिनेता। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयनी बहिष्कार की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। चौथा क्वेश्चन है, आज के दिन भारत और किस देश की सीमा पर नई बॉर्डर हार्ट की आधारशिला रखी गई है? तो वो है भारत और बांग्लादेश की सीमा। ठीक है सर। अभी पाँचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक बैंक। छठवा क्वेश्चन है, हाल ही में बाटा इंडिया ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका आंसर होगा दिशा पाटानी। ये बाटा है जो चप्पल जूते बनाती है। लाली गुजरी 2020 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ पर दर्ज की गई है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। वही सा आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीईआरटी का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा दिनेश प्रसाद संकलानी। वही नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को कोविड-19 सहायता के रूप में 1 लाख RAT किट भेजी है? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। दसवां और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के वे विभाग के लेखा महानियंत्रण का अतिरिक्त प्रभाव किसे मिला है? इसका आंसर होगा सोनाली सिंह। लाइक शेयर और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।